Hello my dear students, welcome back in AS Academy Digital Classes. AS Academy and this Academy Digital Class में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे थे डेटा फ्रेम के बारे में यूनिट 1 डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास पॉइंट पे। तो डेटा फ्रेम इट्स ऑपरेशंस की सीरीज में अब तक मैंने आपको दो वीडियो दे रखा है। जिस दो वीडियो के पिछले लेक्चर्स में हमने ये जाना था कि डेटा फ्रेम क्या होता है और डेटा फ्रेम हम कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा फ्रेम हम कैसे डिक्शनरीज के थ्रू क्रिएट करेंगे, कैसे हम अलग अलग तरह की वैल्यूज पास करेंगे डिक्शनरीज को और हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर पाएंगे। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि यूजिंग नंपाई एरे भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक होगा उसके बारे में हम बात कर ले कि व्हाट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू टुडे। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट द हाउ टू क्रिएट द डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, बट डिक्शनरी इज हैविंग द सीरीज ऑब्जेक्ट एज अ वैल्यूज। सेकंड हम बात करेंगे कि कैसे हम डेटा फ्रेम टेक्स्ट फाइल और सीएसवी फाइल की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड हम बात करेंगे कि हम दूसरे डेटा फ्रेम की मदद से डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और एट लास्ट हम बात करेंगे डिस्प्ले करने के बारे में, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है ऑलमोस्ट। तो चलिए पहले देखते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि क्रिएटिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 2D डिक्शनरी विद अ वैल्यूज एज अ सीरीज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, इन दिस द इंडेक्सेस यानी कि रोज रो नंबर ऑफ द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इज असाइन फ्रॉम द इंडेक्सेस ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। जो आप सीरीज ऑब्जेक्ट को इंडेक्स दोगे इस केस में, उसी इंडेक्स के साथ डेटा फ्रेम का रो इंडेक्स मैच कर जाएगा, मतलब क्रिएट हो जाएगा एंड कॉलम्स आर असाइन फ्रॉम द कीज ऑफ डिक्शनरी। देखो दो पॉइंट का ध्यान रखना है, इसका मतलब हो गया कि जब आप सीरीज बनाओगे तो सीरीज के अंदर जो नंबर ऑफ वैल्यूज हो वो तो इक्वल होने चाहिए, अच्छी बात ये होगी। दूसरा है कि अगर आप कोई कस्टमाइज इंडेक्स यूज करना चाहते हो इंस्टीड ऑफ इन प्लेस ऑफ 0 and 1, 2 तो आपको उसे इंडेक्स भी देना होगा। ठीक है, चलिए जरा सा देखते हैं कि यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल, मैंने एक नेम नाम का एक लिस्ट क्रिएट कर लिया है, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे math.pd.series मैंने एक सीरीज जनरेट किया, इसको एक लिस्ट आर्गुमेंट पास किया और इसको इंडेक्स भी दे दिया नेम, यहाँ पे इंडेक्स दे दिया नेम। और अब मैं यहाँ पे एवरेज स्कोर जनरेट कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, एवरेज स्कोर क्रिएट करने के बाद जब मैं यहाँ पे डिक्शनरी रिजल्ट 0, math, 1, science and 2 एवरेज स्कोर करूंगा, तो अब जरा समझिएगा कि भाई सीरीज का इंडेक्स क्या है, अमृत तन्मय अलका सुमन सीरीज का, और डिक्शनरी का इंडेक्स की वैल्यूज क्या है, 0, 1, 2। तो ये 0, 1, 2 जो है वो बन जाएगा आपका कॉलम जब आप डेटा फ्रेम क्रिएट करोगे इसकी मदद से। तो देखो 0, 1, 2 तो आपका क्या बना, कॉलम बना, और अमृत तन्मय अलका और सुमन जो जिसको आपने एज ए इंडेक्स बताया था सीरीज ऑब्जेक्ट का, इस मैथ और साइंस सीरीज ऑब्जेक्ट का, वो आपका क्या बन जा रहा है, रोज बन जा रहा है। तो ये चीज आपको देखना है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हैज कॉलम्स असाइन फ्रॉम द कीज ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट एंड इंडेक्सेज असाइन फ्रॉम द इंडेक्सेज ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट व्हिच आर गिवन इन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सेशन के बिना तो काम चलेगा नहीं, तो चलिए मैं पहुंचता हूं अपने आइडल पे और आइडल पे आपको दिखाता हूं। सर स्टार्ट कर चुका हूं, आपके स्क्रीन पे देखो ये मेरा आइडल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पे अब हमें क्रिएट करना है सीरीज ऑब्जेक्ट्स, तो मैं एक फाइल ले लेता हूं, मैं यहां पे कर लेता हूं न्यू, और इस न्यू फाइल के अंदर में मैं जनरेट करूंगा सीरीज ऑब्जेक्ट। तो चलो मैं वही बना देता हूं, नेम इक्वल टू, मैं यहां पे एक लिस्ट जनरेट कर लेता हूं पहले, अमृत तन्मय। ठीक है, मैं एक लिस्ट अलका एंड सुमन, ठीक है, मैंने इस नाम से एक लिस्ट जनरेट कर दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, सीरीज ऑब्जेक्ट जनरेट करता हूँ। तो मैंने पहले मैथ्स स्कोर के लिए एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैथ्स इक्वल टू, अब मैथ्स इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ pd.series और सीरीज के अंदर में मैं लिस्ट चार, मैंने चार वैल्यू पास करने हैं, तो चलो मैं यहाँ पे चार वैल्यू पास कर देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू लिख देता हूँ नेम, ठीक है, इंडेक्स इक्वल टू नेम लिख दिया। उसी तरीके से मैं यहाँ पे साइंस का बना देता हूँ, cinc साइंस में pd.series और यहाँ भी मैं इसको चार वैल्यू पास कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट चार वैल्यू पास कर देता हूँ यहाँ भी, और ये देखिए ये हमारा, और यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू नेम कर देता हूँ और मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं एक एवरेज स्कोर जनरेट करना चाहता था, तो एवरेज इक्वल टू मैंने लिख दिया मैथ्स, यहाँ पे मैथ्स प्लस साइंस डिवाइडेड बाई टू।
ठीक है, ये एवरेज हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ डिक्शनरी रिजल्ट के नाम से, और यहाँ पे मैं इंडेक्स लगाता हूँ 0:Maths और (1), मैं यहाँ पे 1 में साइंस दे देता हूँ। एक काम मैंने यहाँ पे नहीं किया है जो मुझे करना चाहिए था, वो था इम्पोर्ट स्टेटमेंट, क्योंकि मैं कोडिंग लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिख लेना होगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि मैंने इंटरेक्टिव मोड में इम्पोर्ट किया या नहीं किया, मुझे अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे 2:ABC लिख देता हूँ, डिक्शनरी क्रिएट हो गए। डिक्शनरी के बाद अब मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट करना चाहूंगा, तो DFR = मैं यहाँ पे लिखूंगा PD.DataFrame, और डेटा फ्रेम के अंदर मैं यहाँ पे डिक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ। ये डिक्शनरी क्रिएट हो गया, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और मैं इसको सेव करूंगा अपने करेंट लोकेशंस पे। तो मैं आ जाता हूँ अपने प्रोग्राम जहाँ मैं नॉर्मली सारे प्रोग्राम सेव करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे पांडास की लैब के अंदर में, और पांडास लैब के अंदर में मैं इसका नाम दे देता हूँ डेटा फ्रेम सीरीज, ठीक है, और 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो फाइल सेव हो गया, सेव होने के बाद मैं करा देता हूँ इसको रन, और रन कराने के बाद यहाँ पे कुछ सिंटैक्स एरर आ गया, कॉमन सा सिली मिस्टेक हो गया था, कॉमा डालना भूल गया था मैं, मतलब डॉट आ गया उसकी जगह पे, कोई बात नहीं, रन करा देते हैं एक बार फिर से। और रन कराने के बाद ये देखिए आपका आउटपुट तो आया नहीं अभी तक, क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं कराया था, मैंने यहाँ पे क्रिएट तो किया था लेकिन मैंने यहाँ पे प्रिंट DFR नहीं लिखा था। तो प्रिंट मैं यही कर देता हूँ, डायरेक्ट DFR लिख देता हूँ, तो देखो ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है आपको। और आप कोड को रन करा के भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं कोड को रन नहीं कराऊँ, कोड को रन कराऊंगा तो रन नहीं होगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव के बाद मैं रन कर देता हूँ, तो ये देखो आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। तो आप इस तरीके से भी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं जहां पे 0, 1, 2 तो आपका कॉलम बन गया, और अमृत तन्मय और अलका आपका क्या बना, इंडेक्स बना। क्यों इंडेक्स बना ये, क्योंकि आपने यहाँ पे अमृत तन्मय को एज अ सीरीज इंडेक्स बताया था, तो जो सीरीज ऑब्जेक्ट्स होते हैं वही डेटा फ्रेम के इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक क्या है आगे देखते हैं। आगे बता रहा हूँ कि 2D डिक्शनरीज विद वैल्यूज एज सीरीज ऑब्जेक्ट, वी कैन चेंज द कॉलम्स ऑफ डेटा फ्रेम बाय चेंजिंग द कीज ऑफ डिक्शनरी। अगर सपोज करो कि अभी आपने जैसे कि पीछे देखा कि ये 0, 1, 2 आ रहा था, तो 0, 1, 2 कहां से रेफर हो रहा था, इसी जगह से ना। तो मैं चाहता हूं 0 की जगह पे मैथ्स हो, 1 की जगह पे साइंस हो, 2 की जगह पे एवरेज हो या एवरेज स्कोर हो, कुछ ऐसा लिखा हुआ हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको डिक्शनरीज की कीज को बदल देना होगा। देखिए डिक्शनरीज की कीज को बदल देना होगा, यहाँ पे जो मैथ्स लिखा हुआ, ये जो 0 था उसको हमने मैथ्स कर दिया, कीज बदल दिया, साइंस कर दिया, टोटल कर दिया, एक कॉलम मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर रखा है, देखो टोटल स्कोर भी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, एवरेज स्कोर में एवरेज स्कोर दे दिया, तो फिर कुछ इस तरह से आपको आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो भी कीज था डिक्शनरीज के अंदर में, वो मैथ, साइंस, टोटल और एवरेज स्कोर, ये देखो यहाँ पे इसका कॉलम्स बन गया, और जो इंडेक्सेस थे सीरीज के इंडेक्सेस थे वो यहाँ पे रोज बन गए। तो ये तो क्लियर हो गया। तो चलो मैं इसको एक बार आइडल के थ्रू ही दिखा देता हूँ। तो मान लो मैं यहाँ पे सिंपली मैं इतना ही मैं कर देता हूँ चेंज, मैं ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे मैथ्स लिख देता हूँ, यहाँ 1 की जगह पे मैं यहाँ पे साइंस लिख देता हूँ, और एवरेज की जगह पे मैं यहाँ पे एवरेज लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने इतना ही कर दिया, सेव करके मैं इसको रन करा देता हूँ, और रन कराने के बाद अब आप देख सकते हो कि जो आपका आउटपुट आया है उसमें देखो पहले 0, 1, 2 था, लेकिन अब क्या हो गया, अब ये मैथ साइंस एवरेज हो गया। तो इस तरीके से आप कॉलम्स को एक नाम दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या टेक्निकली क्या ध्यान रखना है कि आपको जो डिक्शनरी आप क्रिएट कर रहे थे उस डिक्शनरी के कीज का जो नाम आप डिसाइड करोगे वही कॉलम्स का नाम होगा। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें बात कर रहा हूँ 2D with values, creating data frame object from 2D with values, series object, specifying the new order of column. अब आप यहाँ पे order of column को change कर सकते हो। We can specify the column order according to our requirements by specifying a sequence for columns by the name columns. अब कैसे होगा कि जैसे कि देखो यहाँ पे
मान लो यहाँ पे नेम नेम है, मैथ्स मैथ्स है, साइंस साइंस है, टोटल टोटल है, एवरेज एवरेज स्कोर हो गया, ठीक है। और अब आप यहाँ पे पीडी डिक्शनरीज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद का कॉलम्स भी डिसाइड कर सकते हो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो उसके ऑर्डर्स को, सीरीज को आप खुद के मर्जी से भी दे सकते हो यहाँ पे, है ना। तो आपको कॉलम्स यूज करना पड़ेगा डेटा फ्रेम के साथ। अगर आप कुछ एडिशनल कुछ कस्टमाइजेबल कॉलम्स यहाँ पे देना चाहते हो, जैसा कि डिक्शनरी है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ कुछ और हो, यहाँ कुछ और हो, तो ये आप चेंज कर सकते हो। सीक्वेंस फॉर कॉलम्स, आपको खुद से कॉलम्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार आइडियल पे चलते हैं और वहां से हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली सा, तो चलिए हम आइडियल पे आके देखते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे तो मैंने कर रखा है ये, मैं इसको थोड़ा सा यस। अब यहाँ पे देखो मैंने डिक्शनरी का ऑर्डर नहीं दिया, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम्स, कॉलम्स इक्वल टू, और मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ एम, यहाँ पे लिख देता हूँ एस, एस सी, यहाँ पे एम टी कर देता हूँ एम टी, यहाँ पे एस सी कर देता हूँ, और उसके बाद मुझे एवरेज दिखाना था तो मैंने एवरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको बंद करके सेव कर लेते हैं, सेव करके मैं इसको रन करा देता हूँ। तो रन कराने के बाद क्या हो गया कि अब आप चेक कीजिए कि आउटपुट में ये एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, इंडेक्सेस जीरो हो गए, कॉलम्स एम्प्टी, साइंस एवरेज हो गए, कुछ तो मिस्टेक हो गई मेरे से। तो डिक्शनरीज ओके ओके, ये मैथ्स मैं इसको कर देता हूँ, साइंस यहाँ पे कर देता हूँ, मैथ्स यहाँ पे कर देता हूँ, एवरेज सेव करो और इसको रन करो। आपको कॉलम्स को यूज करके, आप कॉलम्स को यूज करके, जैसे कि यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट तो क्या था, मैथ्स पहला कॉलम बनता, साइंस दूसरा कॉलम बनता, एवरेज तीसरा कॉलम बनता, बट आप चाहो तो इसके ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हो यहाँ कॉलम्स को स्पेसिफाई करके। मान लो मैं चाहता हूँ कि एवरेज पहले आ जाए, क्या आ जाए पहले, एवरेज पहले आ जाए, तो एवरेज को मैंने पहले लिख दिया और साइंस और मैथ्स को बाद में लिख दिया, और यहाँ से मैं एवरेज को डिलीट कर दूंगा, यहाँ से मैं एवरेज को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब मैं इसको रन करा देता हूं, तो इससे क्या हो गया, हमारा कॉलम का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो एवरेज पहले दिखा रहा है, फिर साइंस, फिर मैथ्स के स्कोर आ रहे हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द चेंजिंग ऑफ कॉलम ऑर्डर, समझ गए मतलब यहाँ पे कि आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, टोटल पहले दिख रहा है तो एवरेज स्कोर बाद में दिख रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे आउटपुट में क्या किया कि पहले एवरेज स्कोर को देख लिया फिर टोटल को देखा, तो इस तरीके से आप ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हाउ कैन वी क्रिएट अनदर डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम की मदद से कोई डेटा फ्रेम क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास एक डेटा फ्रेम डीएफ रिजल्ट नाम का था, मैंने डीएफ1 इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम जस्ट पास एज आर्गुमेंट, तो ये एक नया डेटा फ्रेम आपको क्रिएट करके दे देगा, इसमें ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। सिंपली जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डीएफआर है, तो डीएफआर है यहाँ पे, मैं यहाँ पे एंटर दबा दे रहा हूँ, तो देखो ये आ गया। अब मैं कोई नया डेटा फ्रेम क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे pd dot data frame और data frame में dfr लिख दूंगा और इसको रन करा दूंगा। अब df1 को देखता हूँ तो देखो ये आ चुका है, क्रिएट हो गया। That's not very technically, just you have to pass the arguments, okay? Now creating data frame from object from a text files or csv files, कि text file और csv file से अब data frame कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए सबसे पहले we can create a data frame object through a text file or CSV file called loading data. क्या कहते हैं उसको, loading data from files कहते हैं। इसके लिए read underscore CSV method यूज करना पड़ता है, कौन सा method, read underscore CSV और file में। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक text file की, हमें जरूरत पड़ेगी एक CSV file की, और फिर आप इसकी मदद से आप इस काम को कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास कोई टेक्स्ट फाइल है, तो मैं चलता हूँ ओपन में, और ओपन में आके मैं पहुँचता हूँ अपने पाइथन के ऊपर, सॉरी मैं जाता हूँ पहले अपने फोल्डर में, और जो मेरा फोल्डर है मैं वहाँ चलता हूँ। वहाँ आने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पाइथन प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम में मैं पांडाज में आ जाता हूँ और देखता हूँ पांडाज लैब लैब के अंदर में मैं यहाँ पे ऑल फाइल्स कर देता हूँ। तो ऑल फाइल्स में मुझे देखने दो कोई डेटा फाइल टेक्स्ट फाइल है या नहीं है, यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा है,
कोई बात नहीं, एक और पाइंडास के नाम से फोल्डर होगा, माइट भी यहाँ मैंने बना रखा होगा। तो ये देखो, ये स्कोर और स्कोर डॉट सी एस वी, तो दो फाइल हैं। तो मैं आपको पहले स्कोर खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। स्कोर फाइल को देखो, इसके अंदर में डेटा कैसे स्टोर किया गया है, ये फाइल आपके सामने आ चुका है। तो इसमें देखिए डेटा कैसे स्टोर किया गया, नेम कॉमा मैथ्स कॉमा साइंस कॉमा टोटल कॉमा एवरेज, और यहाँ पे मैंने डेटा स्टोर कर दिया। कॉमा सेपरेटेड है, कॉमा से सेपरेट करके आपको टेक्स्ट फाइल में स्टोर करना है। ठीक उसी तरीके से अगर आप मान लो, मैं उस सी एस बी फाइल को भी दिखा देता हूँ आपको कि सी एस बी फाइल कैसे खुलना है, क्या है उसके अंदर में। तो चलो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, इसके अंदर मैं पांडास के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो स्कोर फाइल है इसको मैं ओपन कर देता हूँ, तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि सी एस बी फाइल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही खुलता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपका सी एस बी फाइल भी हमने क्रिएट कर रखा है। सेम डेटा है, सेम वैल्यू निकाला। आप किसी भी ऑर्डर क्रिएट करो, अलग अलग कॉलम्स में कॉलम का लेवल होना जरूरी है, और फिर आप रिकॉर्ड एंटर। तो ठीक है, हमारे पास टेक्स्ट फाइल भी है और हमारे पास CSV फाइल भी है। नाम क्या है उसका? स्कोर। क्या नाम है उसका? स्कोर। तो अब मुझे इस फाइल की रिक्वायरमेंट है। किस फाइल की? इस फाइल की रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर देता हूं। मैं इंपोर्ट ओएस कर डायरेक्टरी और चेंज डायरेक्टरी मैं यहां पर लिख देता हूं, और उसके बाद मैं यहां पर करता हूं डी कॉलन स्लैश Python program slash pandas, ठीक है। तो ये मैं वर्किंग डायरेक्टरी कर देता हूँ, और मैं os.getcwd लिख देता हूँ, रन करा देता हूँ, तो ये मेरा करंट डायरेक्टरी आ चुका है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे डायरेक्टरी भी देख सकता था, os. चलो वो तो os लिस्ट dir, तो मैं लिस्ट dir कर देता हूँ, os.listdir, तो देखता हूँ ये हमारी डायरेक्टरी आ गई score.txt, ये सारे फाइल हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं यहाँ पे ये कमांड चलाना है, मुझे लोड करना है। क्या करना है? मुझे लोड करना है, CSV क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डेटा फ्रेम लिखता हूँ, डेटा फ्रेम टेक्स्ट इज इक्वल टू pd.read _csv, और यहाँ पे फाइल का नाम दे देता हूँ score.txt। मैं कंप्लीट पाथ भी आप दे सकते थे डालने, तो ऐसे भी आप लोड कर सकते थे। तो मैं यहाँ पे और df text को प्रिंट कर देता हूँ। देखो हमारा df text प्रिंट हो गया, प्रिंट df text। अगर आप वर्किंग डायरेक्टरी चेंज नहीं करना चाहते हैं और फिर भी आप यूज करना चाहते थे, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप read _csv, और यहाँ पे आप कंप्लीट पाथ ले सकते थे। यहाँ पे मैं पाथ लिख देता हूँ, तो डी कॉलन स्लैश, मैं डबल स्लैश दूंगा, पाइथन प्रोग्राम स्लैश, डबल स्लैश देना होगा पांडास स्लैश, और पांडास के अंदर में डबल स्लैश दीजिएगा score.txt नाम का फाइल है। तो मैंने इसको लोड कर दिया, और अब df txt 1 देखिए ये भी क्रिएट हो गया। ठीक उसी तरीके से मैं अगर मान लो csv फाइल से, ये तो टेक्स्ट फाइल से लोड हो गया, अगर csv फाइल से लोड करना है तो मैं csv 1 नाम का एक बनाता हूँ, pd.read_csv, और क्योंकि मैं उसी फोल्डर के अंदर हूँ तो मुझे फाइल पाथ देने की जरूरत नहीं है। तो मैं score.csv देखो लिखता हूँ, ये अपने आप देखो यहाँ से ले रहा है, दिख रहा है ना फाइल आपको, अपने आप ले रहा है। आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो काफ़ी कुछ हो जाता है, ठीक है। और अब आप DFCSV कर लीजिए, DFCSV 1 कर दीजिए, देखिए आपका फाइल क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो नाउ यू अंडरस्टैंड्स कि हाउ कैन क्रिएट द डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट फाइल एंड विद द हेल्प ऑफ द CSV। लास्ट टॉपिक है प्रिंटिंग डिस्प्लेइंग, एंड दैट्स यू नो बेटर कि डिस्प्लेइंग डाटा फ्रेम इज डिस्प्लेइंग एनी अदर वेरिएबल्स और यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास या तो आप इंटरेक्टिव मोड में अगर आप काम कर रहे हो तो सिंपली ये कमांड डाल दो, डेटा फ्रेम का नाम लिख दो, और अगर आप स्क्रिप्ट मोड में हो तो प्रिंट df4 लिख के आप इस तरीके से आउटपुट देख सकते, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक, और अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं आपको उसके आगे के बारे में बात करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे पता है कि चैनल के सारे वीडियोज प्राइवेट हो चुके हैं, तो इसके रीजन्स हैं कि अब ये वीडियो आपको पेड वर्जन के तौर पे हैं, और आपको तभी मिलेंगे जब आप एक सर्टेन अमाउंट पे करोगे। जैसा कि अभी ऑफर आ रहा है 30 जून तक अगर आप पे करते हो तो आपको सिर्फ 1500 ही पे करने हैं वीडियोज के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।